अगर इसको ऐसे छोड़ दूं तो कल तक के ये बच्चा मर जाए, अंदर डेड इन शेल हो जाएगा। तो देख बच्चा हिल रहा है, दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको वीडियो में, बच्चा हिल रहा है अभी भी। और इसको निकालना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्योंकि पूरा नीचे से वो काला पड़ गया है और सुबह तक की ये डेड हो जाता था। देखिए बच्चा पूरा जिंदा है, देखिए तरफ बढ़ते अपन। देखिए ये सब काम होता है ना, मैंने आपको बीच में एक ब्रीडिंग फार्मूला भी बताया था, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ लास्ट डेढ़ से दो महीने से कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत तगड़ा रिजल्ट मिला है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बर्ड अगर ब्लाइंड रहेगा तो ब्रीड नहीं करता, ये फीमेल ब्लाइंड है, इसको आती नहीं है वन साइड की, बता ना शब्द भाई। देखिए फीमेल को एक साइड की आँख ही नहीं है, देखो दिख पा रहा होगा आपको, दोनों भी बटरफ्लाई हैं, दोनों भी माशाल्लाह से बटरफ्लाई, और तीसरा काफ़ी ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज बर्ड्स। आज आप लोगों के लिए लाए हैं हम लोग, फिलहाल तो कुछ नहीं लाए लेकिन अभी थोड़े दिन में माशाल्लाह इसको भर के बताएंगे अपन। तो काफ़ी अच्छी अपने पास ब्रीड आई है ये बात, और कुछ ही पैरों से आई है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने पैरिंग स्टार्ट किया था, पैरिंग लगाना स्टार्ट किया था जब सब रेस्ट पे थे, तो अभी फर्स्ट क्लच आ गया इनका, तो मैं आप लोगों को शो कराते, आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा आपका, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपन ये वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं ना, आप लोगों को बच्चे बताएंगे और उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा। चेक करिए माशाल्लाह से दो बच्चे हैं फ्रंट बाइट के। चलो बेटा आप लोगों को शो कराएंगे और शॉक कराएंगे, फ्रंट बाइट है और एक बच्चा है जो अभी काफी छोटा है। देखिए फ्रेंड्स कितना छोटा सा है, वाह और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे आप लोगों को बताते हैं। तो अभी हमारे नेक्स्ट बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए ये सब काम होता है ना, मैंने आपको बीच में एक ब्रीडिंग फार्मूला भी बताया था, मैं वो यूज कर रहा हूँ लास्ट डेढ़ से दो महीने से कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत तगड़ा रिजल्ट मिला है। ये सब पैरिंग स्टॉप करा था मैं छः महीने के लिए, छः महीने के बाद मैं वापस ब्रीड ले रहा हूँ अभी इनसे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी बर्ड्स अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मेरे को। सेकेंड बॉक्स चेक करते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह इसके अंदर भी दो बच्चे हैं, बैठ गए हैं दोनों, और अब इसको भी आपके लिए निकालते हैं। चलो बेटा पहले उसके पेरेंट्स को बाहर कर देते, फिर आराम से बच्चे ले लेंगे। बच्चे को चेक करने का आज मेजर रीज़न मेरा ये है, मैं बोला साथ ही साथ वीडियो भी बना लूँ, बच्चों को चेक करना है कहीं माइट्स तो नहीं लगी है, कहीं किसी के पैर वैर ख़राब तो नहीं है, किसी को माइट्स तो नहीं लगी है। जैसा कि देखो इसकी थोड़ी सी प्लटिंग हुई है, तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग आज कर लेंगे। तो मेजर मेन रीज़न यही है मेरा, मैं वैसे आज वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे ही रेगुलर चेक करता हूँ, हमेशा डेली बेसिस पे चेक होते हैं बच्चे, मगर आज बाहर निकाल के चेक हो रहे हैं कि बच्चे वो साइज में है, और देखो काफ़ी अच्छे से साउंड कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे। देखिए ज़बरदस्त बच्चे, ये बच्चा बहुत प्यारा है, पल पाई का और भी है, और भी है इंशाल्लाह, और भी आपको दिखा, और माशाल्लाह और भी आपको दिखाते हैं, और इंशाल्लाह और भी आएंगे बच्चे अभी इसमें, बाकी इसमें भी है ये दो बक्सों में भी, लेकिन वो आजकल नहीं आए हैं, इसमें भी दो बच्चे हैं मगर वो आजकल में भी आए, आजकल ही पैदा हुए, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इसका चेकआउट कर लेते हम लोग, इसमें क्या मिल रहा है हमको बताइए, दिखाते इसमें देखिए माशाल्लाह तीन बच्चे हैं माशाल्लाह, और काफ़ी ज़बरदस्त हेल्थ में है। अभी फ्रेंड्स देखो एक चीज़ है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बर्ड अगर ब्लाइंड रहेगा तो ब्रीड नहीं करता, ये फीमेल ब्लाइंड है, इसको आती नहीं है वन साइड की, बता ना शब्द भाई। देखिए फीमेल को एक साइड की आँख ही नहीं है, देखो दिख पा रहा होगा आपको, आईज ही नहीं है उसको, लेकिन आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हो,
रिजल्ट तो माशाल्लाह है। और ऐसा नहीं कि कोई सादे बच्चे, ये बटरफ्लाई के बच्चे, देखिए आपको वी पैटर्न दिख रहा होगा, अभी काफी छोटे है, दोनों भी बटरफ्लाई है, दोनों भी माशाल्लाह से बटरफ्लाई। और तीसरा काफी ज्यादा छोटा है, मैं आपको बॉक्स के अंदर ही दिखा देता हूँ, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, इनको चेक करके इनको फिर अंदर रख देंगे हम लोग। तीसरा भी बता देता हूँ मैं आपको, हाथ में लेके बता देता हूँ, बस माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, या कुछ ऐसा बोलिएगा जिससे नजर नहीं लगे, नजर नहीं लगे, और ऊपर वाला इसको नजरें बस से बचाए, सभी बच्चों को मेरे। इसको वापस अंदर रख देते हैं, वैसे इसमें कोई माइट्स नहीं है, इसका कल ही मैंने बॉक्स साफ किया है, आज जस्ट आपको दिखाने के लिए निकाला हूँ। और भी कुछ बच्चे हैं, कुछ क्लियर पाइट्स है माशाल्लाह, क्लियर पाइट्स, और एक स्पॉटेड बाइट है इसके अंदर, देखिए स्पॉटेड बाइट भी बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये स्पॉटेड बाइट आएगा, दिख रहा है वन साइड पैडल है इसको, ये स्पॉटेड बाइट आएगा। इसका रेट भी अलग है, ये बच्चा देखो कैसा सो रहा है, फीड इसको बहुत जबरदस्त कराया है माँ बाप ने, बहुत जबरदस्त। सबके सब बच्चे हेल्दी है, और सबके सब बच्चे आप लोगों के लिए है भी रेडी। तो इसके बारे में जिसको भी जो भी डिटेल्स चाहिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 7977370132। बस उम्मीद कर रहा बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्लीज़ 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 आप लोगों की लैंग्वेज में या आप लोगों के रिलीजन में जो भी बोलते हो जिससे नज़र ना लगती हो वो ज़रूर बोलिएगा। हम लोग मैं माशाल्लाह बोलते हो तो मैं माशाल्लाह बोलूँगा, तो ऊपर वाला इसको नजरे बस से बचाए, और आप एक बार चेक करिए बच्चे, जबरदस्त जबरदस्त। हर ब्रीडर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसकी बकेट ऐसी भरी है। और भी है, अरे हाँ वो दो बच्चे जो मैं बताए नहीं आपको, जो आज ही हैच हुआ है और एक दो दिन पहले हैच हुआ है, इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक आज हैच हुआ है, एक कल का है, और एक अभी हैच होने वाला है। इसको ये अंडे को बहुत चेक करना जरूरी है, देखो ये वाले अंडे को बहुत चेक करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कालापन आ चुका है अभी, पकड़ो इसको, शायद हम लोग को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। बच्चा अंदर से चूचू कर रहा है, देख रहे हो आप, इसको काला काला हो गया ये, लेकिन बच्चा जिंदा है, मैं लाइव आपको निकाल के बता सकता हूँ इसमें से कि इसके अंदर बच्चा जिंदा निकलेगा और अच्छा निकलेगा। देखो ये काला हो गया, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना मैं, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो कल तक के ये बच्चा मर जाएगा, अंदर डेड इन सेल हो जाएगा। तो ब्रीडिंग सेटअप संभालने का यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग को इस पर 24 घंटा टाइम देना पड़ता है और 24 घंटा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा फैन बंद कर दूँ, अंडा है हाथ में मेरे और डायरेक्ट हवा लग रही है उसको, तो उसको हवा से भी डायरेक्ट बचाना है, और ये जिंदा है अभी, आपको साफ दिख रहा होगा इसमें ब्लैक रेशे आ गए, दिख रहा है ये कालापन आ रहा है, मतलब अब बच्चा अगर इससे बाहर और नहीं निकला आज रात के लिए, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कल सुबह तक हमें नहीं मिलेगा जी। आगे वो ये कर रहा है, एक पिंच कर रहा है अंडे को अंदर से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आराम से लाओ इधर, इसका काम थोड़ा इजी कर देंगे बच्चे का। क्या होता है, अपना कैल्शियम बहुत तगड़ा चलता है ना, ये वजह उसकी है, कैल्शियम जब तगड़ा चलता है ना तो अंडे के शेल ऐसे ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, तो बच्चे ना निकल नहीं पाते। देखो अंदर बच्चा जिंदा है, देखो अगर इसको अभी नहीं निकाला गया ना तो फिर ये सुबह तक के तो ऑफ हो जाएगा, इसको अभी निकाल देना ज़रूरी है। देखिए अंदर, देखो देख बच्चा हिल रहा है, दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको वीडियो में, बच्चा हिल रहा है अभी भी, और इसको निकालना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्योंकि पूरा नीचे से वो काला पड़ गया है,
और सुबह तक की ये डेड हो जाता था। देखिए बच्चा पूरा जिंदा है। देखिए दिख रहा होगा आपको साफ, बच्चा जिंदा है और हिल रहा है। देखिए आवाज़ कर रहा है, वो कैमरा शायद माइक शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा साउंड इसका, मगर साउंड कर रहा है ये, चू 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 कर रहा है। अब इसको आराम से हम लोग इसकी पर्दी निकालेंगे और इसको आधा निकाल के पेरेंट्स के पास छोड़ देंगे, बाकी का वो खुद निकल जाएगा बाहर। और अगर एक डेढ़ घंटे के बाद हम लोग इसको एक रीचेक करेंगे कि ये निकला है या नहीं निकला है। अगर ये नहीं निकला है तो इसको पूरा निकाल देंगे, मगर बच्चा हेल्दी है, ये निकल जाएगा अच्छे से। ठीक है, और ये बच्चा अब ये बच्चा एकदम नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेट करके निकाला गया है तो वीक होगा, कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंशाल्लाह सर्वाइव करेगा, ये बड़ा होगा और अच्छे से ब्रीड भी करेगा, अच्छे से हेल्थ भी इसकी अच्छी रहेगी। क्योंकि इनमें से कितने बच्चे मैं ऐसे निकालो, क्योंकि क्या होता है देखो अभी मौसम कैसा हो रहा है, मेन ये प्रॉब्लम क्या आता है, मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम चल रही है आज की तारीख में, ये ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा चल रही है आज की तारीख में, गर्मी का मौसम है, उमस बढ़ रही है, सुबह गर्म हो रहा है, रात को ठंडा हो जा रहा है, तो उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा मेन कारण इसका एक ये है कि हम लोग की डाइट थोड़ी सी हार्ड रहती है, थोड़ी सी तगड़ी रहती है, तो उसमें बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन सब भरपूर मिलता है। तो क्या होता, अंडे का शेल कुछ ज़्यादा ही कड़क हो जाता, कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो जाता, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस होती है। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको इसमें मिल गया होगा कि पहली चीज़ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा रखना है, और दूसरी चीज़ अगर ऐसा होता है तो जैसा मैंने किया है वैसा करना है। लेकिन देखो इसमें दो बातें, जब अंडा काला पड़ने लगे, मैं इसको रख देता हूँ अच्छे से, नहीं तो ज़्यादा हवा लग जाएगी, इसको माँ बाप नीचे ले लेंगे तो ये अच्छे से पूरा बाहर निकल जाएगा। देखो अभी भी जिंदा है और अभी भी पूरा बाहर निकलेगा। अगर ये एक डेढ़ घंटे में खुद से बाहर नहीं निकलता है तो मैं इसका और टक्कर तोड़ के इसको पूरा बाहर निकाल दूंगा। मैं इसको रख देता हूँ अंदर अभी। देखिए फ्रेंड्स अभी रख दिया है उसको अंदर, ये निकल जाएगा एक से डेढ़ घंटे में खुद से निकल जाएगा। अगर नहीं निकल पाता है, इनकेस अगर नहीं निकल पाता है तो मेरे को एक से डेढ़ घंटे बाद फिर चेक करना पड़ेगा, और अगर निकल गया है तो ठीक है, अगर नहीं निकल गया तो निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखो दो बातें हैं, सबसे पहली बात तो जब अंडा, जब मैं सैंपल के लिए आपको बताऊं, इसमें ताज़ा अंडा होगा, हाँ इसमें देखो ताज़े अंडे, जब अंडा ऐसे कलर में हो, व्हाइट कलर में होना जब अंडा, तब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तब अगर उसको आप तोड़ोगे ना, अगर फर्टाइल अंडा है तो फिर वो आधा प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी उसकी एक हिसाब से, क्योंकि वो पूरी तरह रेडी नहीं हुआ होगा। जब आपको दिखे अंडा अंदर से क्रैक हुआ है, अच्छा खासा क्रैक हुआ है, और नीचे साइड से वो काला पड़ना चालू हुआ है, तो इसका मतलब है कि बच्चा अंदर से फुल रेडी है, उसको टक्कर तोड़ने में मुश्किल हो रही है, उसका टक्कर बहुत हार्ड है अंडे का, तब आपको ऐसा करना है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं करना। ये बहुत सोच, ये एक एक्सपीरियंस ही आपको सिखा सकता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये बच्चा ऐसा निकल पाता है, ये अंडे की कंडीशन ये स्टेज पे। तो ये स्टेज पे जब अंडा आता है और काला पड़ना लगता है नीचे से, तो फिर उसके बाद में अपने को ऐसी ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ले लेते हैं बच्चे की डिटेल्स। तो सबसे पहला बच्चा हम लोग उठाते हैं, ये है फोन पाइड का बच्चा, बहुत ज़बरदस्त साइज में है, कलर में है, क्लियर फेस है, देखो अभी से दिख रहा है। सेकंड सेम है इसी का भाई, ये एक और एक फोन पाइड का बच्चा जो अभी छोटा है, देख सकते हो आप। उसके बाद है अपने पर्ल पाइड्स के बच्चे, इसकी देखो थोड़ी सी प्लकिंग हुई है लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत तगड़ा है और बहुत ज़बरदस्त साइज में है। इसका अभी फिलहाल के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा सा एक एलोवेरा जेल लेके मैं इसको लगा दूंगा तो इसके पेरेंट्स इसको प्लग करना बंद कर देंगे, बाकी माशाल्लाह से बच्चा दिखे, क्या प्यारा साइज है, वाह, उसके बाद एक हॉरे के हमारे पास, वो भी पल्पाइड का है, ये भी पल्पाइड है, ये भी ज़बरदस्त है। इसके बाद हम लोग के पास है क्लियर पाइड, उसके बाद है दो बटरफ्लाई, तीन बटरफ्लाई के बच्चे, ये दो बटरफ्लाई, एक स्पॉटेड बाइट का बच्चा, एक क्लियर बाइट का बच्चा, ये बटरफ्लाई का बच्चा, ये भी बटरफ्लाई का बच्चा, ये स्पॉटेड बाइट का बच्चा। तो देखा फ्रेंड्स आपने,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको कि अंडा अगर ऐसे स्टेज में आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। मेरे को सीरियसली पता नहीं था, आपके सामने ही कैमरे पे सब हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर मेरा आप लोग जो जूनियर व्यूअर्स है मेरे वो जानते हो, अभी दो दिन पहले तीन दिन पहले मैंने सेटअप के वीडियो डाला था, जो एक हमारा नया सेटअप ओपन हो रहा है वो हो, आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताना, आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर बताना। वो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, अपनी पूरी फैमिली का सेटअप है, आप सब लोगों का सेटअप है। आप लोग कोई भी उधर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विजिट मैं थोड़ा सा इग्नोर करता था क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम थी, अब वहाँ पे मेरे पास जगह भरपूर है, तो मैं सबको इन्वाइट करूँगा कि सब आए, सब आओ, आपका ही सेटअप है, आप आओ, टाइम स्पेंड करो, देखो बर्ड्स, देखो मज़े करो और फिर आप अपने अपने मंजिल पर चले जाओ। तो वो है यहाँ से औरंगाबाद, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, माना थोड़ा दूर है, मगर बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो, बहुत अच्छा लोकेशन है वो, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर चेक कर लेना, दोनों दो वीडियो है इस पर, तो ज़रूर चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब। चलिए बाय।